लाल सागर में अमेरिका, इजराइल और अन्य पश्चिमी देशों के खौफ का दूसरा नाम हूती बन गया है। वो हूती जो इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर तो है, लेकिन वो वहीं से ड्रोन, मिसाइलें और रॉकेटों से इजराइल को बार बार दहला रहा है। इसके अलावा लाल सागर, बाबल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और अरब सागर में भी हूती के हमलों की वजह से पश्चिमी देशों के जहाजों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। हूती लगातार पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी हूती का इलाज नहीं कर पा रहा। और अब इसी कड़ी में एक बार फिर से हूती ने लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में अमेरिका के युद्धपोत के साथ साथ ब्रिटेन और इसराइल के मालवाहक जहाजों पर एंटी शिप और क्रूज मिसाइलों से एक साथ हमला किया है। हूती ने सबसे पहला हमला लाल सागर में ब्रिटेन के होप आइलैंड कार्गो जहाज पर किया, जिस पर हूती ने नौ सैनिक मिसाइल दागी है। दो दिन पहले तक इस जहाज की आखिरी लोकेशन बाबल मंदेब की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। इन हमलों को लेकर हूती का आधिकारिक बयान भी आ गया है। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का कहना है कि हूती ने इसराइल और अन्य पश्चिमी देशों के जहाजों के खिलाफ पांच हमलों को अंजाम दिया है। انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات المسلحة اليمنية خمس عمليات عسكرية خلال الاثنين وسبعين ساعة الماضية نفذت القوات البحرية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة هوب أيلاند البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله وكذلك نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى MSC جريس إف في المحيط الهندي والأخرى MSC جينا في البحر العربي। आपको बता दें कि हूती के प्रवक्ता ने अपने बयान में ये दावा किया है कि हूती ने इजराइल के जहाज पर पहला हमला हिंद महासागर में MSC ग्रेस एफ जहाज पर किया। इसके बाद दूसरा हमला MSC जिना पर हुआ, जो अरब सागर में था। हूती का यह भी कहना है कि इन दोनों ही हमलों में उसने एंटी शिप बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो अपने टारगेट पर सटीक लगी हैं। वहीं मैरीटाइम ट्रैकिंग वेबसाइट का कहना है कि MSC ग्रेस एफ की आखिरी लोकेशन पूर्वी अफ्रीका में थी। वहीं MSC जिना की लोकेशन करीब 11 दिन पहले श्रीलंका के करीब थी। इन हमलों के अलावा हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का कहना है कि हूती ने अमेरिकी युद्धपोत पर दो हमले किए हैं। ये हमले आत्मघाती ड्रोन के जरिए किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में हूती के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने ऐलान किया था कि अब हूती हिंद महासागर में अपने हमलों को और बढ़ा देगा, जिससे इजरायली जहाजों की आवाजाही और ज्यादा रुक जाएगी। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप रूट पर भी पश्चिमी और इजरायल के जहाजों पर हमले किए जाएंगे।